हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है सिया कुकिंग पर। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं बहुत ही क्रंची आलू टोस्ट की रेसिपी, जो कि हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो करते हैं रेसिपी को बनाना स्टार्ट। तो आलू टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले लिए हमने उबले हुए आलू, आलू को कर लिया है हमने मैश, टमाटर बारीक कटे हुए, दो प्याज बारीक कटी हुई, हरी मिर्च, साबुत जीरा, धनिया और काली मिर्च का पाउडर। गैस पर रखेंगे हम एक कढ़ाई, कढ़ाई में डालेंगे दो बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल, ऑयल को कर लेंगे हम अच्छे से गरम। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, फ्लेम को रखेंगे अब हम बिल्कुल स्लो और अपना साबुत धनिया और जीरे का पाउडर डाल देंगे और अच्छे से चला देंगे। अब हम डालेंगे अपनी बारीक कटी हुई प्याज, उनको भी अच्छे से चला लेंगे और ट्रांसल्यूसेंट भून लेंगे। प्याज का कलर हमारा चेंज हो गया है ट्रांसल्यूसेंट। अब हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और हरी मिर्च, उनको भी हम अच्छे से चला लेंगे और कुछ देर पका लेंगे। अब हम ऊपर से डालेंगे अमचूर पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अच्छे से कर लेंगे मिक्स। एक दो मिनट के लिए सोटे करेंगे अच्छे से। तो टमाटर भी हमारे हो चुके हैं। अब हम ऊपर से ऐड करेंगे आलू मैश किए हुए, सभी आलू को हम डाल देंगे कढ़ाई के अंदर और अच्छे से चला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से ऐड करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और फिर से सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दिखाते हैं आपको मिक्स करने के बाद। आलू को हमने अच्छे से कर लिया है मिक्स, स्टफिंग हमारी बनकर एकदम तैयार हो चुकी है। अब हम ऊपर से ऐड करेंगे भुजिया नमकीन, आप चाहे कोई से भी नमकीन डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो फिर से हम सभी चीज़ों को एक बार मिला लेंगे। स्टफिंग हमारी एकदम रेडी हो चुकी है। यहाँ पे लिए हमने ब्रेड स्लाइस म्यूनीस और हमने लिए टमाटो केचप। सबसे पहले हम उठाएंगे अपना एक ब्रेड स्लाइस, उसके ऊपर लगाएंगे टमाटो केचप हल्के हल्के से, उसके बाद हम फिल करेंगे अपनी स्टफिंग। ऊपर से लगा देंगे मेयोनीज थोड़ी सी। और अपने दूसरे ब्रेड स्लाइस को उठाकर बंद कर देंगे दोनों ब्रेड स्लाइस को अच्छे से और एक प्लेट में रख देंगे। दिखाते हैं आपको दूसरी ब्रेड स्लाइस फिल करके उठाएंगे, उसके ऊपर टमाटो केचप लगाएंगे, उसके बाद हम फिल करेंगे स्टफिंग। स्टफिंग के बाद हम लगाएंगे मेयोनीज थोड़ी सी। और अपनी दूसरी ब्रेड स्लाइस उठाकर इसके ऊपर रख देंगे और बंद कर देंगे चारों तरफ से और प्लेट में उठाकर रख देंगे। इसी प्रकार हम अपनी सारी ब्रेड स्लाइस को फिल कर लेंगे। टोस्ट बनाने के लिए हमने ले लिया है टोस्टर। अगर आपके पास टोस्टर नहीं है तो आप तवे पर भी आसानी से बना सकते हैं। अब हम लेंगे ब्रेड, उनके ऊपर लगाएंगे घी, स्टफिंग हम ऑलरेडी पहले ही कर चुके हैं। इसी तरीके से हम अपने सारे ब्रेड पर लगा लेंगे ऊपर घी और फिर तैयारी करते हैं उनको सेकने की। तो सभी ब्रेड पर घी लग चुका है,
अब हम ब्रेड उठाएंगे और उसको रख देंगे टोस्टर के ऊपर, और जो साइड पर घी नहीं लगा है अब उस साइड पर भी हम घी लगा लेंगे। अब हम दूसरा ब्रेड उठाएंगे, उसको रख देंगे, जिस साइड से हमने घी लगाया है वो साइड नीचे कर देंगे। अब जौन सी साइड बची है उसके ऊपर भी हम घी लगा लेंगे और टोस्टर को कर देंगे हम बंद, और कुछ देर वेट करेंगे 2 मिनट का टोस्ट होने तक का। 2 मिनट हो चुकी हैं, अब हम अपने टोस्टर को करते हैं ओपन। तो आप देख सकते हैं टोस्ट हमारे एकदम क्रंची क्रंची हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसी प्रकार हम बचे हुए टोस्ट को भी सेक लेंगे। तो हमने रख दिए टोस्टर में, ऊपर से लगा देंगे घी। टोस्टर को कर देंगे हम बंद और वेट करते हैं कुछ देर होने का। इतने हमारे बचे हुए टोस्ट भी होते हैं, इतने हम इन टोस्ट को कट कर लेते हैं। तो थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हम नाइफ से इनको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो थोड़े गर्म हैं तो आराम आराम से करना आप कट। तो टोस्ट बनकर हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कितने क्रंची बने हैं। इसी प्रकार हमें अपने सारे टोस्ट बनाकर कट कर लेने हैं। अब हम बाकी के टोस्ट को भी टोस्टर के अंदर से निकाल लेते हैं। तो टोस्टर को खोल के देखते हैं तो ये टोस्ट भी हमारे एकदम बनकर रेडी हो चुके हैं। इनको भी हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। डायरेक्ट आप हाथ से ना निकालें, किसी टोंग की हेल्प से निकालें जिससे कि हाथ ना जलें। सो फ्रेंड्स, टोस्ट बनकर हमारे एकदम रेडी हो चुके हैं, प्लेटिंग हमने कर ली है। बहुत ही क्रंची और यमी बने हैं। आपको कैसी लगी टोस्ट की रेसिपी हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। देखने के लिए थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।